So today we discuss phylum Echinoderma. Phylum Echinoderma. Echino means hedgehog. Echino means spines. Derma means skin. So organisms having spiny skin are included in phylum Echinoderma. All these organisms have spiny skin, so they are included in Echinoderma. Linnaeus se pehle isko mollusca mein include kiya tha. Linnaeus included it in mollusca, but baad mein iske liye alag group bana diya gaya, that is Echinoderma. To general characteristics ki baat kare, features ki baat kare, तो एक्सक्लूसिवली बनाए गए ऑर्गेनिजम्स है. नो टेरेस्ट्रियल फॉर्म, नो फ्रेश वाटर फॉर्म इज फाउंड. एक्सक्लूसिवली मराइन ऑर्गेनिजम्स है एंड वॉटर ड्वेलर्स है. वॉटर ड्वेलर्स का मतलब जो वॉटर में रहते हैं, ठीक है, वॉटर में रहते हैं. पेलेजिक भी वर्ड यूज करते हैं इसके लिए. पेलेजिक फ्री स्विमिंग इन ओपन वाटर. पेलेजिक का मतलब होता है फ्रीली स्विमिंग इन ओपन वाटर. सो पेलेजिक भी है. वैसे स्लो मूवर्स होते हैं, मराइन ऑर्गेनिजम्स हैं. कुछ सेसाइल फॉर्म्स भी मिलती है. सेसाइल का मतलब होता है जो मूव नहीं करते, दे रिमेन अटैच टू ए हार्ड सबस्ट्रेटम. अपने आप को किसी हार्ड सरफेस के साथ अटैच रखते, अटैच करते रहते हैं. बॉडी स्टार शेप भी हो सकती है, स्टार लाइक, स्टार फिश, स्फेरिकल भी हो सकती है. So various forms are found, or it can be cylindrical, but hamesha unsegmented. No body segments are found. Unsegmented body. In body, head is absent. There is no head, no socialization. Head is absent. These organisms contains endoskeleton of calcium in the form of ossicles. Endoskeleton is formed of calcium. So calcareous endoskeleton, which is present in the form of ossicles. Present in the form of ओसिकल्स. ओसिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है एंड दिस ओसिकल कंटेन्स स्पाइंस. हैविंग स्पाइंस, स्पाइंस आर प्रेजेंट ऑन ओसिकल्स. ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दीज आर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, वी ऑलरेडी डिस्कस मेनी टाइम्स. Now, as I said, told you that spines are present over the body and spiny skin organisms and spines and inch-like pedicellaria are present. Spines plus pedicellaria. Pinch-like pedicellaria are present. So, dono protective function mein. प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. चाहे वो स्पाइन की बात करें चाहे पेडिसिलरी की बात करें, दोनों प्रोटेक्टिव है. पेडिसिलरी प्रोटेक्टिव इन द सेंस इट क्लीन्स द सरफेस. वैसे प्रोटेक्शन सिर्फ स्पाइन का काम है, पेडिसिलरी सरफेस को क्लीन करने का काम करता है.
जो माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, जो डेब्रिस आ जाएगा, जो फालतू की चीजें आ जाएंगी, उनको वहां से क्लीन कर देगा, सरफेस को क्लीन रखेगा। सिमेट्री जो फीचर है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन आता है, सिमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। बायलैटरल है, लार्वा जो है वो बायलैटरल है, लार्वा इज हैविंग बायलैटरल सिमेट्री, बट एडल्ट शोज पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री शोन बाय एडल्ट। लार्वा में बायलैटरल सिमेट्री है, एडल्ट में पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आर्म्स है वो फाइव लेयर्स के मल्टीपल्स में होते हैं, तो पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री फॉर्म। उसके बाद हम बॉडी वॉल पे आते हैं, बॉडी वॉल की बात करें तो सिंगल लेयर्ड है सिलिएटेड एपिडर्मिस, और उसके जस्ट नीचे मैंने बताया कि एंडोस्केलेटल, एंडोस्केलेटल प्रेजेंट होता है, कैल्शियम का बना होता है, कैल्केरियस एंडोस्केलेटल है विच सपोर्ट द स्पाइंस। तो सबसे ऊपर एपिडर्मिस having cilia, so ciliated epidermis, और उसके नीचे की जो लेयर होगी उसको डर्मिस कहा जाता है, उसके नीचे डर्मिस है which contains endoskeleton formed of calcium and this calcareous endoskeleton support spines. It's support the spines, उनको fix करने में help करता है। Smooth muscles are present below the dermis. अब ये dermis के नीचे क्या आ जाएगी? Muscle layer. And muscles, smooth muscles. Smooth muscles are found. So this is regarding body wall in case of echinoderms. अब अगर बॉडी सिस्टम्स की बात करें, ये जनरल फीचर्स हो गए, नाउ बॉडी फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्ट्स विद न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है विद एन एक्सेप्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट एक्सेप्ट brittle star, brittle star एक example है, except brittle star में incomplete digestive system मिलता है, brittle star है incomplete digestive system, anus may be absent in brittle star इसलिए incomplete digestive system होता है, elementary canal can be straight or coiled, elementary canal can be straight और कोयल भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद आते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वाटर वैस्कुलर सिस्टम ये डिफरेंट है कैनाल सिस्टम जो स्पंजेस में मिलता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्म्स इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट फाउंड इन पॉलीफेरस, इसको एम्बुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ampullatural system, vertebrovascular और ampullatural system। तो ये यूनिक फीचर है, याद रखना, इट इज अ यूनिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स, ampullatural system इज यूनिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स। ये बॉडी सरफेस से प्रेजेंट होता है और बाहर तक प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं एम्बुलेटरल सिस्टम की अगर बात करें तो इस तरह से रेडिएटिंग रेज निकलती है यहां से चारों तरफ, लाइंस निकलती है, कैनाल्स निकलती है फ्रॉम द सरफेस
और जो आउटर ओपनिंग है इट इज कप लाइक सॉसर लाइक इट इज नोन एज मेट्रोपोराइट इट इज नोन एज मेट्रोपोराइट। तो मेट्रोपोराइट से जो कनेक्टेड है दैट इज मेट्रोपोराइट का नाम इट ओपन आउटसाइड ये सराउंडिंग एटमोस्फेयर के ऊपर होती है। दिस सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड रिंग कैनाल बिकॉज एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है सो इट इज नोन एज रिंग कैनाल। एंड फॉर दिस रिंग कैनाल लेटरल कैनाल्स अराइज़ेस ये जो लाइंस हैं दे आर कॉल्ड लेटरल कैनाल्स। तो रिंग कैनाल रिंग कैनाल से lateral canals arise होती है and these lateral canals give rise to these branch structures everywhere and these branching structures are known as radial canals। इन branch structures को क्या कहते हैं radial canals। तो सबसे पहले रिंग कैनाल से मेट्रोपोराइट मेट्रोपोराइट गिव राइज और ओपन आउटसाइड रिंग कैनाल से लेटरल कैनाल की और लेटरल कैनाल की जो साइड वाइज ब्रांचेस हैं दे आर नोन एज रेडियल कैनाल्स। ऑन दीज रेडियल कैनाल्स स्पेशल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट नोन एज ट्यूब फिट एम्पुलर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है विच आर नोन एज ट्यूब फिट। तो दिस ट्यूब फिट आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर दिस आर नोन एज ट्यूब फिट दिस आर ट्यूब फिट। तो दिस एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ डिफरेंट कैनाल्स is known as water vascular system or ambulatory system। Tube feet locomotion में help करती है। Tube feet helps in locomotion। Tube feet is locomotory structure helps in locomotion in equilibrium। Water vascular system siloam से develop होता है for it is siloamic। इसका ओरिजिन कैसा है सिलोम से है तो सिलोमिक इन ओरिजिन। सो दिस इज अ पिक्यूलियर सिस्टम फाउंड इन इकाइनोडर्म्स नोन एज वाटर वैस्कुलर सिस्टम। इसके बाद हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेशन के लिए भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट क्लासेस में। रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेशन सिस्टम डर्मल ग्रंथि और गैलुले। जो स्टारफिश है उसमें डर्मल ग्रंथि और गैलुले आर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। इसी तरह जो सी अर्चिन्स हैं उनमें पेरिस्टोनियल गिल्स होते हैं। ये अलग अलग क्लासेस के एग्जांपल्स हैं सी अर्चिन। दूसरा एग्जांपल है एंड इन सी अर्चिन पेरिस्टोनियल गिल्स आर प्रेजेंट पेरिस्टोनियल गिल्स आर प्रेजेंट इन सी अर्चिन्स। इसी तरह तीसरी क्लास जिसमें ब्रिटल स्टार आता है उसमें जेनाइटल बर्सा आर प्रेजेंट जेनाइटल बर्से आर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन ब्रिटल स्टार। ब्रिटल स्टार में जेनाइटल बर्से रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं और होलोटोरियंस में ग्लोटल ट्यूब होता है। होलोटोरियंस में
क्लोनल ट्री हेल्प्स इन रेस्पिरेशन. तो देयर आर फाइव मेन क्लासेस और हर क्लास में डिफरेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है एज यू कैन सी हियर. ऑल द फाइव क्लासेस डिफरेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट. Then we move to circulatory system. अब यहाँ पे circulatory system नहीं होता ना, circulatory system की जगह हिमल और पेरिहिमल system present होता है. हिमल and पेरिहिमल system. हिमल and पेरिहिमल system is present instead of circulatory system. ये भी सिलोम से डेवलप होते हैं. देयर आर आल्सो सिलोमिक इनॉर्गेनिजम. हिमल और पेरिहिमल सिस्टम आर आल्सो सिलोमिक इनॉर्गेनिजम. और ये भी कोई वेल डिफाइंड फ्लो नहीं करते, वेल डिफाइंड सिस्टम नहीं होता. तो यहाँ पे भी ये ओपन टाइप है, ओपन टाइप. ये ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम हम कह सकते हैं. नो ब्लड पिगमेंट इज प्रेजेंट लाइक हीमोग्लोबिन एंड नो हार्ट. नो हार्ट एंड नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट. नो हार्ट एंड नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज फॉर्म इन केस ऑफ इकाइरोडर्म्स. रेस्पिरेशन बहुत एक्सपेंसिव था, हर ग्रुप में लगता है कि रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थी, बट जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कोई बहुत ज्यादा डेवलप सिस्टम नहीं होता. तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है उसको हिमल या पेरिहिमल सिस्टम कहते हैं, जो सिलोम से डेवलप होता है. नो एक्सक्रीटरी सिस्टम. नो स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन. एक्सक्रीटरी सिस्टम. No specialized organs are present for excretion. तो जो gills हैं, उन्हीं के through ammonia या because aquatic organisms हैं तो monotelic हैं, तो gills acts as excretory organs. जो waste है वो gills के through बाहर निकल जाता है. Diffusion के through gills से बाहर निकल जाएगा. नाउ नर्वस सिस्टम. अभी तक हमने नर्वस सिस्टम में क्या देखा था कि नर्व रिंग होती है और नर्व रिंग से डोर्सल पेयर्ड नर्व बोर्ड अराइज होती है, राइट. अभी तक के कोर्स में हमने यही देखा था नर्वस सिस्टम में. तो यहां पे भी देयर विल बी नर्व रिंग, बट इस नर्व रिंग से पेयर्ड नर्व बोर्ड नहीं अराइज होगी, रेडियल नर्व बोर्ड्स अराइज होगी. रेडियल नर्व बोर्ड्स लाइक दिस. सो नर्व रिंग गिव राइज टू रेडियल नर्व बोर्ड्स. तो ये एक डिफरेंस है नर्वस सिस्टम में एज कंपेयर टू अदर ग्रुप्स. सेंस ऑर्गन्स टच रिसेप्टर्स हो सकते हैं, केमो रिसेप्टर्स हो सकते हैं, बट दे आर नॉट वेरी वेल डेवलप्ड. सेंस ऑर्गन्स की बात करें हम तो सेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्टाइल एंड केमो रिसेप्टर्स. टैक्टाइल रिसेप्टर टच रिसेप्टर होता है, केमो रिसेप्टर केमिकल को डिटेक्ट करता है. जो सराउंडिंग वाटर में या सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में जो केमिकल्स प्रेजेंट होंगे उनको करता है. एंड फोटोरिसेप्टर्स लाइट सेंसिटिव. फोटोरिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, लाइट रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट. कुछ केसेस में स्टेटोसिस्ट भी हो सकता है बैलेंसिंग ऑर्गन, बट दीज सेंस ऑर्गन्स आर नॉर्मली नॉट वेरी वेल डेवलप्ड. देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. रिप्रोडक्शन इन इकाइरोडर्म्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो इकाइरोडर्म का रिप्रोडक्शन.
और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इकाई नोडरमेट है। सेक्सेस आर सेपरेट मोस्टली, दे आर यूनिसेक्सुअल। कुछ एक्सेप्शंस हैं बट मोस्टली दे आर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। गोनेड्स आर लार्ज इन साइज, लार्ज गोनेड्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर लार्ज इन साइज विद डक्ट्स। जो गैमेट्स हैं वो डक्ट्स की हेल्प से ट्रेवल करते हैं। सो लार्ज गोनेड्स हैविंग डक्ट्स आर प्रेजेंट, बट कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एब्सेंट होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज एब्सेंट, एक्सटर्नली हम नहीं बता सकते और डिफरेंशिएट कर सकते मेल और फीमेल को, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज एब्सेंट। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड विविपेरस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड विविपेरस, दिस शोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन विविपेरस। Some organisms shows asexual reproduction also. Asexual reproduction is also found in some forms or in some organisms where they divide themselves. Autotomy or regeneration. Autotomy or regeneration. This is the lowest part that it develops again. So regeneration occurs. ऑटोटोमी जब डेंजर होता है, एडवर्स कंडीशन होती है, उस टाइम पे अपने बॉडी पार्ट को पर्पसली रिलीज कर दे, दैट इज नोन एज ऑटोटोमी। सो ऑटोटोमी एंड रीजनरेशन आर वेरी वेल डेवलप्ड। स्टारफिश के केस में आपने सुना भी होगा कि जो आम लॉस्ट हो जाती है, जो आम कट जाती है, उस वजह से डेवलप हो जाती है। फर्टिलाइजेशन leads to development. Development is indirect. Indirect development means different larval stages are present. Indirect development. Larval stages are present. और अभी थोड़ी देर पहले हमने discuss किया था कि जो larva है वो biradial होता है, sorry bilateral होता है और adult pentamerous radial होता है। तो bilateral symmetrical larva and in each class different larva are present, which we discussed during classification. So development larval stages are present and these larva are of different types. Alag alag type ke larva present hote hain alag alag classes. Echinoderms are classified on the basis of shape of the body and characteristics of digestive system. तो क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इकाइनोडर्म्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम is the basis of classification in echinoderms. So one by one we'll discuss different classes. Past classes hain. So we'll start with Astroidea. Five classes, and the class one or the first class is Astroidea. एस्ट्रो, एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार लाइक, इडियोस का मतलब फॉर्म। सो स्टार फॉर्म, स्टार लाइक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर इंक्लूडेड इन क्लास एस्ट्रोइडिया। बॉडी इज फ्लैट स्टार लाइक, फाइव आर्म्स आर प्रेजेंट, स्टार लाइक फ्लैट बॉडी हैविंग फाइव आर्म्स, star-like flat body with
five arms are present, which are not sharply marked out. Sharply marked out नहीं है central point से, central disc से. Sharply marked out का मतलब सेंट्रल पॉइंट है, राइट? सेंट्रल डिस्क कहते हैं इसको. तो सारे के सारे कनेक्टेड है सेंट्रल डिस्क से. दे आर नॉट मार्क्ड आउट फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क, नॉट मार्क्ड आउट और सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल डिस्क. सेंट्रल डिस्क से बिल्कुल अलग नहीं होते, सेपरेट नहीं होते, दे आर कनेक्टेड देयर. देन अगर दूसरे फीचर्स की बात करें एस्ट्रोइडिया में, 2 feet इज ओरली प्लेस्ड. 2 feet जो है ओरली प्लेस्ड का मतलब ओरल पार्ट, दो एरिया होते हैं ओरल पार्ट एंड अबोरल पार्ट. ओरल पार्ट का मतलब जिधर माउथ प्रेजेंट है, पार्ट्स माउथ. Aboral means opposite to that. So, 2 feet is orally placed. What's oral part? 2 feet, mouth part ki taraf present hai. Anus and metroporite are aboral. Anus aur jo metroporite hai, wo aboral ho jayega. Wo mouth se dusri taraf present hogi. That is aboral. तो 2 feet oral side में present है, बाकी part aboral है. दो larvae commonly मिलते हैं, bicornaria and brachiolaria. Two larvae are common, bicornaria central disc, bicornaria and brachiolaria are two larval forms commonly found in class Astroidea. Example is starfish. Astrius. Astrius is starfish. Astrius is starfish. जो common example है Astrius. उसके अलावा Pentasiroes and Luidia. 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 And Pentasiroes, इनको भी commonly कहते हैं starfish हैं, but they are another examples of class Astroidea. So this is first class. और अगर हम starfish as a representative की बात करें, तो एक carnivorous organism है. Starfish is a carnivorous organism. Starfish is carnivorous having great power of regeneration and autotomy. Regeneration and autotomy are highly developed in case of starfish. बाकी बहुत ज्यादा यूनिक फीचर थे वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए. स्केलेटन में कैल्शियम और नाइट्रोजन के कंटेंट होते हैं, तो जो स्केलेटन है हैव कैल्शियम एंड नाइट्रोजन. तो जो ड्राइड स्केलेटन होता है यूज एज फर्टिलाइजर. दूसरे कैरेक्टर्स की बात करें तो जो 2 feet है ओरल साइड में होगा, मेट्रोपोराइट और एनस अबोरल साइड में प्रेजेंट है, पेडिसिलरी है इसमें, डर्मल ब्रैंकी प्रेजेंट है जो रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं. डर्मल ब्रैंकी एक्ट्स एज रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन. Dermal branchi are present. Dermal branchi acts as respiratory
एंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर. टू फीट इज नॉन लोकोमोटरी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सक्शन डिस्क. Without suction disc. Indirect development होती है ओक्यूप्लूटियस लार्वाइज प्रेजेंट. Indirect development and larva is ओक्यूप्लूटियस. Ophiocluteus larva is present. Sexes are separate. और ये जो larva है ओक्यूप्लूटियस larva free living होता है. और इसमें एक और important characters आप कह सकते हो कि ambulacral lobe absent होता है. एम्बुलेटरल लोब एब्सेंट है. गोनेट जो है वो मल्टीपल होते हैं. गोनेट्स आर मल्टीपल्स. पेंटामेरस एक आम के साथ है. इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो ब्रिटल्स का ओफियोथ्रिक्स ब्रिटल स्टार इसको कहते हैं. इसमें वैसे कॉमनली जितने भी एग्जांपल्स हैं सबके लिए वर्ड ब्रिटल स्टार ही यूज किया जाता है. ओफियोरिडिया में सारे के सारे ब्रिटल स्टार है. ओफियोकोमा दूसरा एग्जांपल है. ओफियोकोमा इसको ब्रिटल स्टार कहा जाता है. सो दिस इज रिगार्डिंग सेकंड क्लास ओफियोरिडिया. Next we move to class, third class, that is Echinoidea. Third class is Echinoidea. Third class is Echinoidea. They are commonly known as इकाइनों का मतलब हैच हो. वैसे इकाइनों का मतलब होता है हैच हो. जिसकी बॉडी पे अगर आपने देखा हो बहुत सारे स्पाइन्स होते हैं. हैच हो की बॉडी पे बहुत सारे स्पाइन्स होते हैं और इनमें कॉमनली जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको कहते हैं सीअर्जीज. सीअर्जीज आर कॉमनली इंक्लूडेड है ऑफ योर सॉरी इकाइनोडिया में. तो जो बॉडी है वो ग्लोबुलर है. बॉडी इज ग्लोबुलर. ग्लोबुलर बॉडी समटाइम इट कैन बी हार्ट शेप विदाउट आर्म्स. डिस्कोइडल भी हो सकती है विदाउट आर्म्स. अभी तक दोनों क्लासेस जो हमने पढ़ी वो पेंटामेरस की फाइव आर्म्स की आपने आर्म्स एब्सेंट होती है. और जो बॉडी है पूरी की पूरी क्योंकि आर्म्स नहीं है तो पूरी की पूरी जो बॉडी है इट इज एनक्लोज्ड इन अ एंडोस्केलेटन शेल. बॉडी इज एनक्लोज्ड इन एंडोस्केलेटन या जिसको शेल कहते हैं. बॉडी इज एनक्लोज्ड इन एंडोस्केलेटन और शेल. और उस सेल में मूवेबल स्पाइंस होते हैं. हैविंग मूवेबल स्पाइंस. हैविंग मूवेबल स्पाइंस. मूवेबल स्पाइंस या सेल को टेक्स्ट भी कह सकते हैं. एंडोस्केलेटन शेल और टेक्स्ट. यहां पे बाइटिंग और चोइंग के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसको कहते हैं एरिस्टोटल्स लाइन. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एरिस्टोटल्स लैबिलेन. इसका लाइट से कोई लेना देना नहीं है.
it is biting and chewing structure with teeth. Biting and chewing structure with teeth is known as Aristotle's larder. अब जो अबोरल सरफेस है उस पे एनस प्रेजेंट है. अबोरल सरफेस पे एनस है. अबोरल सरफेस कंटेन्स एनस. और एनस के साथ साथ मैट्रियोपोराइट. मैट्रियोपोराइट तो इसका मतलब ओरल सरफेस के साइड क्या है? माउथ. ओरल सरफेस कंटेन माउथ. अब जो ऑरिस्टोटल्स लैटिन है जो मैं बता रहा हूँ वह टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है. नियरली 35 टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो फूड को बहुत स्मॉल पार्टिकल्स में क्रश कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है उसका. तो बाइटिंग और चुईंग में हेल्प करता है एरिस्टोटल्स लैटिन. इसका एग्जाम्पल है एक्नियस. इसको सी अर्चिन कहते हैं. एग्जाम्पल इज एक्नियस which is called as sea urchin. Acneus or sea urchin is example of. तो sea urchin का मैं डायग्राम बनाऊं आपके लिए. मैंने बताया ना ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होती है. स्ट्रक्चर इज ग्लोबुलर. तो एक स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर होता है. अब नहीं बनाएंगे इसको. स्फेरिकल स्ट्रक्चर है. जो सेंट्रल पार्ट है इट रिप्रेजेंट माउथ. सेंट्रल पार्ट रिप्रेजेंट्स माउथ. सेंट्रल पार्ट इज माउथ. और माउथ के सराउंडिंग एरिया में टेंटेकल्स होते हैं और 2 feet होते हैं. टेंटेकल्स और 2 feet. Oral 2 feet, yeah. Tentacles are present. इनके बीच बीच में fibrous structures present होंगी, like this. इस तरह से fibrous structures present होती हैं. Outer area called mouth ring. This outer area is called mouth ring. Central part mouth है जहाँ पे 5 teeth like structures हैं. Then the middle part is called peristomial membrane. ये पूरा का पूरा area क्या कहलाएगा? Peristomial membrane. Peristomial membrane. और पेरिस्टोमियल मेम्ब्रेन के बाहर का जो एरिया है जहां पर बहुत सारे ब्रैंकी और स्पाइंस प्रेजेंट है, ये वाला सारा एरिया. दिस एरिया जहां पे बहुत सारे स्पाइंस प्रेजेंट है, 2 feet के एड्स प्रेजेंट है, इस तरह की स्ट्रक्चर सामने प्रेजेंट है. तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है. इसमें स्पाइंस हैं और ब्रैंकी हैं. दीज आर स्पाइंस एंड ब्रैंकी आर प्रेजेंट. सो दिस इज डायग्राम ऑफ एकाइनस और सी अर्चिन. तो स्पेशलिटी क्या है एरिस्टोटल्स लाइफ में? नाम एरिस्टोटल, क्योंकि एरिस्टोटल ने सबसे पहले इसको स्टडी किया था, सबसे पहले डिस्कस किया था, और उसी के बेसिस पे नाम दिया जाता है. नेक्स्ट क्लास इज क्लास 3rd. दिस वाज क्लास 3. नाउ क्लास 4. क्लास 4 इज होलोट्रूडिया. क्लास 4 इज होलोट्रूडिया.
class 4 is holothuria. Commonly known as sea cucumber. Commonly known as sea cucumber. Holothuridians are commonly known as sea cucumber. उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनकी क्लासिफिकेशन दी गई. तो ब्रोइंग एनिमल स्लगिश है, मतलब टच करने में थोड़ा सा स्लगिश स्ट्रक्चर है. क्रीपर्स हैं, ब्रोइंग एनिमल्स हैं. स्लगिश बरोइंग क्रीपिंग जो रेंगे जल्दी उस टाइप के एनिमल्स हैं. क्रीपिंग ऑर्गेनिजम्स स्लगिश बरोइंग क्रीपिंग एनिमल्स हैं. बॉडी यहाँ पे इलोंगेटेड और सिलेंड्रिकल, वहां पे ग्लोबुलर थी, यहाँ पे बॉडी इज सिलेंड्रिकल elongated and cylindrical bodies. Aboral surface pe anus hai, anus on aboral surface, yeah, aboral side pe anus present hai. Along with it, normally anus के साथ क्या होता है? Metrioboroid होता है. इस केस में metrioboroid internal है. Metrioboroid is internal. Metrioboroid यहाँ पे internally present होती है. Internal structure है. यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए एक एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर होती है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है. दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन ट्री या रेस्पिरेटरी ट्री. रेस्पिरेटरी ट्री इज प्रेजेंट व्हिच हेल्प्स विद रेस्पिरेशन प्रोसेस. यहाँ पे भी स्पाइन्स और पेडिसिलरी दोनों एब्सेंट होंगे. स्पाइन्स एंड पेडिसिलरी आर एब्सेंट. Spines and pedicellaria are absent and indirect development are auricularia larva. Indirect development called having auricularia larva. तो शुरू में हमने बताया था कि सारे के सारे क्लासों में अलग अलग larva present होते हैं. यहाँ पे जो larva है that is called auricularia larva. अगर डायग्राम की मैं बात करूं, एक फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर होता है. बॉडी के लोअर पार्ट में एनस प्रेजेंट है एंड अपर पार्ट है लोकोमोटरी वेंट्रिकल वेंट्रल पोडिया. यहां पे बॉडी के लोकोमोटरी पोडिया प्रेजेंट है. लोकोमोटरी पोडिया प्रेजेंट. अगर इसको इसका क्लोज सेक्शन देखते हैं तो इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती है. लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं लोकोमोटरी पोडिया जो ऊपर तक जाती है. The top portion contains यहाँ पे इस तरह से कुछ ब्रांचेस बन जाती हैं and on top of these branches tentacles are present. And top of the branches a large number of tentacles are present. The middle part, this area, is known as collar. The middle part is known as collar. और collar के just ऊपर जो branch structures होती है, वहाँ पे a large number of
टेंटेकल्स आर प्रेजेंट. तो सी कुकुम्बर में रेस्पिरेटरी स्पेशलिटी है इसकी, इलोंगेटेड बॉडी है, स्पाइन्स मेडियली एब्सेंट है, मेडुलोपोराइड इंटरनल हो गया. एंड द लास्ट क्लास इज नोन एज क्विनोइडिया. क्लास फिफ्थ इज क्विनोइडिया. क्लास फाइव इज क्विनोइडिया. हाईली ब्रांच्ड ब्रांचिंग एक्सटेंसिव हो जाते हैं यहाँ पे ब्रांचिंग और भी एक्सटेंसिव हो जाती है. क्रिनोइडियम दे आर कॉमनली नोन एज फेदर स्टार. क्रिनोइडियम आर नोन एज फेदर स्टार. दे आर कॉमनली नोन एज फेदर स्टार. बॉडी हैज अ सेंट्रल डिस्क. बॉडी में क्या है कि सेंट्रल डिस्क है. वो सेंट्रल डिस्क डिवाइड कर जाती है. उस सेंट्रल डिस्क से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं. तो इसलिए इसको स्टॉक्ड स्ट्रक्चर कहते हैं. बॉडी की जो सेंट्रल डिस्क है इट इज ब्रांच्ड और इट गिव राइज टू वेरियस ब्रांचेस. ब्रांच स्ट्रक्चर सेंट्रल डिस्क इज ब्रांच स्ट्रक्चर. So the body is also flower-like. Flowers में बहुत सारी extensive branching जिस तरह से हो जाती है, बहुत सारी branches जहाँ से निकल जाती है. तो flower-like structure, simple organisms हैं, movable arms, flower-like structure, movable arms, flower-like structures. जो आर्म्स है वही फाइव के मल्टीपल्स में होंगी या तो पांच होंगी या फिर दस होती है. ओरल सरफेस में माउथ और ओनस दोनों एक साथ प्रेजेंट है. यहाँ पे देखो यूनिक कैरेक्टर हो गया. ओरल सरफेस हैज माउथ एज वेल एज एनस. अभी तक ओरल सरफेस में माउथ होता है, ओरल सरफेस में एनस था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अलग हो गया. They remain attached to a substratum. जो सेंट्रल डिस्क है, remain attached to a substratum. किसी भी हार्ड सरफेस के साथ अटैच होती है. Remain attached to a substratum. Attached to a substratum. Indirect development. Seed release भी कहते हैं इनको. They are also called seed release. Indirect development, which involves doliolaria larva, doliolaria larva. अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊं आपके लिए रिटल स्टार का या सीड लिली का, तो जो सेंट्रल डिस्क है जो हाईली एक्सटेंसिव ब्रांच स्ट्रक्चर है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है और इंटरनली इस तरह से इसमें ब्रांच स्ट्रक्चर्स होती है. एंड फ्रॉम दीज ब्रांचेस दीज स्ट्रक्चर्स अराइज. So it gives a flower-like appearance. ये member दो बार भी divide कर सकता है इस तरह से. तो five के multiples में भी branches हो सकती है. So a flower-like appearance arises.
and the central part, the central area here, it represents mouth. Central part represents mouth. Central part represents mouth. और यहाँ पर इस तरह से meat plate like structures होती है. हर ब्रांच में लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर्स होती है. फेदर लाइक फ्लावर लाइक अपीयरेंस. Right? पूरे के पूरे में इस तरह से feather like structures present होंगे. So flower like appearance हो जाती है. और mouth के जस्ट नीचे की साइड में agoral cirrhi present होते हैं. Agoral cirrhi are present. ये सारे जो structures हैं, they represent ambulacral grooves. Ambulacral groove. So this is the diagram of a feather star. और इनमें examples के अगर हम बात करें तो उसका best example है antidone. Antidone is called feather star. Antidone is feather star. Feather like structure है, star like है, pentagons या five के multiples में present है. And these structures are known as pinnules. इनको pinnules कहते हैं. These are pinnules. तो जो माउथ है वहां से तो पांच रेडिएशन निकलनी है, बट दीज रेडिएशन फर्दर मल्टीप्लाई, ये और ब्रांच स्ट्रक्चर बन जाती है, और ब्रांच स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, तो और एक्सटेंसिव नेटवर्क बन जाता है इनका. सो दिस इज रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोमेटा. फाइव क्लासेस वी डिस्कस्ड.